तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पे है शादी। तो बाहर से कुछ इस प्रकार से डेकोरेशन किया हुआ है, बाकी अंदर जाके पता लगेगा क्या क्या है। सो फाइनली दोस्तों, रात के 12 बजने वाले हैं और मेहंदी भी संपन्न हुई। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के एक सुंदर सा गाँव सुबाई भविष्यवद्री से। सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी मेरी तैयारी फिर से हो चुकी है एक नई शादी में जाने की। यानी आज सुबह सुबह मंगल स्नान है और शाम को मेहंदी का प्रोग्राम है, तो वहीं लेके चलते हैं आपको। जी पिछले 2-3 दिनों से नंदप्रयाग वाली शादी की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, यानी भोटिया शादी कैसे होती है आप लोग जान गए होंगे। अगर जो लोग भोटिया हैं तो कमेंट जरूर करें, बाकी आप लोग ने खूब इंजॉय करें होंगे वो वीडियो। तो कल अंधेरे होते ही हम नंदप्रयाग से निकले थे और घर करीबन 9 बजे पहुंचे, और 9 बजे पहुंचने के बाद सीधे सो गए और फिर से सुबह उठते ही अपना काम फिर से स्टार्ट हो गया। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पे है शादी। तो बाहर से कुछ इस प्रकार से डेकोरेशन किया हुआ है, बाकी अंदर जाके पता लगेगा क्या क्या है। टाइम हो गया हल्दी हाथ का, तो सबसे पहले हल्दी हाथ का प्रोग्राम है, तो चलते हैं अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। मेरे साथ है आज ऋतिक, बाकी यहाँ पे साउंड सिस्टम लगा है चाचा जी का, तो अंदर पंडित जी भी रेडी हैं, तो चलते हैं सीधे हल्दी हाथ के लिए। जी अभी मंगल स्नान वगैरह सारा होकर खाना वगैरह खा दिया है, बाकी गांव की महिलाएं लगी हैं बर्तन धोने पे, और सबसे मेन ये है दूल्हे का दोस्त, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे, खाली खाली घूमता रह रहा है बस। अभी जा रहा हूँ अन्नू के यहाँ, तो वहाँ रहते थोड़ी देर, उसके बाद फिर से सब्जी वगैरह काटना शुरू हो जाएगा। बाकी दोस्तों लास्ट ये रहा सब्जी आलू, ये लोग काट रहे हैं, बाकी हमने शिमला मिर्च वगैरह सारा ऊपर पे काट दिया है। और दूल्हे राजा ये रहे सामने, अभी तो बात नहीं करेंगे जब तैयार हो। Thank you.
बाबा वो या क्या हिंदा आपने क्या। सो फाइनली दोस्तों रात के 12 बजने वाले हैं और मेहंदी भी संपन्न हुई, तो अभी कुछ लोग लगा रहे हैं, बाकी इसको देख लो जरा लच्छू, 12 बजे तक सोया ही नहीं है अभी तक। और अनुज आज पहली बार मेहंदी लगा रहे हैं, बढ़िया।